कैमरे की बैटरी खत्म हो गई अब मेरे को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको चांदनी चौक लेके जाऊंगा, जैसे कि हर बार लेके जाता हूँ चांदनी चौक में। आज की वीडियो जो है ये वाले ब्लॉग पे, ये वाला जो चैनल है मेरा, मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं कुछ और चीजें जो मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता हूँ वो चीज इस पे अपलोड कर सकूँ। तो वैसे जो मेरा चैनल है ब्लॉगर टीवी, उस पे मैं उस चैनल के लिए मैं कुछ वीडियो शूट करने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ से निकल के उस शॉप पे किस तरीके से मैं पहुँचता हूँ वगैरह वगैरह बातें जो भी होगी वो इस चैनल पे मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। बस ये बैक टू स्क्रीन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से वर्क करते हैं। कुछ लोग मेरे को कमेंट करके पूछते हैं कि यार आपने किस तरीके से ये ब्लॉगिंग का काम स्टार्ट करा, वीडियो बनाना स्टार्ट किया किस तरीके से आपने। तो उन लोगों को थोड़ा सा क्या नाम है दिखाने के लिए कि यार इस तरीके से हमने किया, क्योंकि जब शुरू में हमने किया था तो काफी ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा था हमें। हम काफी ट्रैवल करते थे, शॉप पे जाके विजिट करते थे, उनसे पूछते थे कि सर आपको वीडियो बनवानी है, आपके पास जो डिजाइन है जो कलेक्शन है वो क्या आप लोगों को दिखाना चाहते हो जो ऑनलाइन लोग खरीद सके। तो इस तरीके से हमने उनसे हमने कन्वेंस किया था उस टाइम। लेकिन अब क्या है, अब चैनल स्टैंड हो गया है तो लोग खुद ही फोन करके बुलाते हैं। तो अब लेकिन दिक्कत ये है कि वही लोग बार बार फोन करते हैं, वही डिजाइन दिखाने पड़ते हैं। तो मैं इस वाले चैनल पे थोड़ी सी ये कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अलग शॉप पे जाया जाए, उनसे बातचीत करी जाए जैसे मैंने शुरू में किया था। तो वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर जो मेरे व्यूवर्स हैं जो पूछ रहे थे कि यार किस तरीके से आपने स्टार्ट किया, तो उनके लिए स्पेशली, बाकी आप भी देख सकते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। तो वही है, बाकी शॉप पे मैं विजिट करके उनसे परमिशन लूंगा कि यार क्या हम शूट कर सकते हैं, आपके डिजाइन लोगों को दिखा सकते हैं, इस तरीके से बातचीत करूंगा। चांदनी चौक जा रहा हूँ मैं, वैसे मेरा फोकस जो है सूट पे रहता है, लेकिन आज मैं लहंगे के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए बात करने जा रहा हूँ चांदनी चौक में। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होने वाला है, सारी एक्टिविटीज ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगी। तो निकलते हैं, बाकी चीजें आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, वैसे तो मैं चांदनी चौक या सदर बाजार जब भी जाता हूँ तो मेट्रो से जाता हूँ, बट आज मैंने अपनी बाइक निकाली है पल्सर, जो मैंने परचेज करी थी कुछ दिनों पहले ही परचेज करी थी, करीब 1 महीना हुआ अभी। और तो आज मैं चिट्ठी, इसका नाम मैंने चिट्ठी रखा है, तो हम दोनों चिट्ठी पे जा रहे हैं आज। अभी हम कहाँ पहुँची है क्योंकि आज पहली बार निकले हैं बाइक से, मतलब चांदनी चौक के लिए थोड़ा गूगल मैप ने इधर उधर रास्ता भटका दिया, इधर कर लेता हूँ, इधर से गाड़ियाँ आ रही थी, कोई छीन के भाग जाए मेरा फोन। तो अभी मैंने जैसे कि बताया हम चांदनी चौक आज बाइक से जाएंगे। वैसे मेट्रो से जाना बढ़िया रहता है क्योंकि भीड़ भाड़ होता है बड़ा वहाँ पे, तो आप बाइक नहीं ले जा सकते इजीली, तो मैं से पार्किंग में लगा दूंगा। और अभी एक इंसिडेंट बताता हुआ क्या, हम करीब इंद्रलोक की साइड थे, तो मैंने हम लोग रेड लाइट था, तो रेड लाइट जैसे ही ग्रीन हुई हम लोग निकल रहे थे, तो बगल में गाड़ी थी मेरे, मैंने हल्का सा एस्केलेटर दिया और थोड़ा सा नया हूँ गाड़ी अभी इतनी नहीं आती चलाने, तो बैलेंस बिगड़ गया मेरा। और ये मेरी गाड़ी का पिछला जो टायर के पास निकला हुआ है ना, वो सीधा उसके बम्पर में लगा आगे वाले, और गाड़ी वाला भी मतलब हरियाणवी था शायद, जाट और था, तो इसने कहा निकाल ले कहीं वैसे ज़्यादा नुकसान किया नहीं हमने, हल्का सा टच हुआ था, बट फिर भी यार वो कुछ लोग होते हैं क्या पता थोड़ा जल्दी गर्म खा जाते हैं, तो हमने फिर जल्दी से निकाला वहाँ से भगते हुए। और यही है, अभी चलो चांदनी चौक पहुँचता हूँ, फिर वहाँ पर बताता हूँ आपको सारी चीज़ें। वैसे हम बाहर भी कर सकते थे मेट्रो में, कहीं भी वहाँ पे फुटपाथ पे एमसीडी की, लेकिन वहाँ पे सेफ नहीं रहती गाड़ी, तो यहाँ पे एकदम सेफ रहेगी, तो यहाँ पे आप कर सकते हो पार्किंग। तो अभी मैंने डिसाइड किया हम लोग परांठे वाली गली में जाएंगे, क्योंकि पतली पतली गलियों में जो शॉप ओनर है वो बहुत कम मिलते हैं वीडियो बनवाने के लिए, तो वहाँ पे भीड़ भी कम होगी, तो वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट करेंगे किसी से। परांठे वाली गली है, दिखा दिया परांठे वाली गली, वेयर मिलेगा परांठा, आई पराठे का मैं टोपी हटना, ये रही पराठे की दुकान, अंदर जाना है हमको।
पतली सी इस गली में इतनी भीड़ होती है ना यार, पैदल चलना मुश्किल होता है वो जगह। दोस्तों इस शॉप की इस जो ये जो शॉप पड़ेगी आपको पराठे वाली गली में पड़ेगी, कृष्णा लहंगा हाउस करके। तो हमने शूट भी शुरू कर दिया है, तो इनके पास मैंने बात करी 1500 रुपये से इनके पास स्टार्टिंग है, तो उसकी अभी हम दिखाएंगे। तो आप वो अगर आपको लहंगे की वैरायटी देखनी तो मेरे चैनल पे देख लेना आप, बाकी ये तो आपको पता ही है व्लॉगिंग का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। सो गाइज, हमने वीडियो शूटिंग जो है कम्प्लीट कर ली है और ये एक दो दिन में मेरे व्लॉगर टीवी वाले चैनल पर आ जाएगी, आप देख सकते हो। और बाकी इस वाली वीडियो में भी मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो देख लेना क्या, और मेरे को कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं यहाँ से, अब अपने को जाना है विपिन टेक्सटाइल पे, आपको पता होगा उनकी कई बार हमने वीडियो शूट करी है, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ पे आपको सूटों की शॉपिंग कराता हूँ। और बाकी इनसे इनका कार्ड वगैरह ले लेते हैं जी, ये शॉप के ओनर है वैसे, और ये कार्ड देख सकते हो आप। ठीक है, चलते हैं फिर। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ सूटों की शॉप पे, देख सकते हो विपिन टेक्सटाइल नाम से इनकी शॉप का जो है कटरा सनशाइन में इनकी शॉप है, और ये सिंगल पीस और रिटेल पीस दोनों देते हैं, तो ये शॉप के ओनर है जी। सर बताइए। सर मेरा नाम विपिन है, और हमेशा की तरह आपको होलसेल रिटेल दोनों तरह से मिल जाएगा, और वैरायटी मेरे पे इस बार बहुत नई आई हुई है, तो मैंने कहा एक बार आपको बुला के कस्टमर्स को एक बार नई डिजाइन दिखाई। तो अभी वही मैं कह रहा था कि हम लोग शूट करने जा रहे हैं, देख सकते हो ये कैमरा वगैरह अपने सेटअप कर लिया है। बाकी वीडियो जो है 4-5 दिनों में मेरे व्लॉगर टीवी वाले चैनल पे आ जाएगी, और इस वाली वीडियो में भी मैं लिंक दे दूंगा 2-3 दिनों में जब आएगी। बाकी मैं बताना चाह रहा था कि जो मैंने रिटेल होलसेल प्राइस सेम वाली स्कीम थी वो इस वीडियो के लिए भी लागू रहेगी, क्योंकि मेरे पे अभी और भी माल है जो मेरे पे सिंगल अवेलेबल है जी। जैसे मतलब होलसेल रिटेल सेम प्राइस रहेंगे उस स्कीम के अंदर जी जी, और उसके लिए आपको वही करना पड़ेगा विपिन टेक्सटाइल मेरे चैनल पे जाके, मैंने बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दिया है, मैंने उसके अंदर जो वीडियोज है उन पे थंबनेल पे मिक्स डिजाइन लिखा है, और लगभग 30 वीडियोज हैं वो। अच्छा अच्छा, तो उनमें से आप देख के सिलेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। वो क्या नाम है जो प्राइस है रिटेल जो में प्राइस बताया हुआ है वो होलसेल वाला ही पड़ेगा, 1 रुपए का भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अगर कस्टमर 10,000 का माल लेता है तो उसके 50% शिपिंग चार्जेस हम देंगे और GST भी हम नहीं लगाएंगे। अच्छा अच्छा, ये भी है, ये भी है। चलो बढ़िया सर, नए साल में कुछ एकदम नई चीज कर रहा है, मार्केट से बिल्कुल हटके ही सोचा है कि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, कोई बेचने वाला हो 10,000 रुपए में उसका भी काफी माल इतना इतने डिजाइन बन जाए कि मतलब उसे लगे कि हाँ माल आया है, बिल्कुल 4 गड्डी में वो क्या बेचेगा क्या मंगाएगा, सही बात, इसी हिसाब से। और एक बात मैं और कहना चाह रहा था कि जैसे बहुत से लोग दिखाते हैं कि मेरी इतनी बड़ी दुकान है, इतना बड़ा शोरूम है, मतलब इस बात को ना ध्यान देते हुए व्यूअर्स को मतलब अपना चॉइस रखनी चाहिए, क्योंकि जो जितनी बड़ी दुकान लेके बैठे है ना उसके उतने बड़े खर्चे और रेंट भी हैं, और वो व्यूअर्स से ही निकालेगा, वो किसी और से नहीं निकालेगा, ये बात भी मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि बहुत से कस्टमर ना सामने वाले की दुकान देख के जाते हैं कि हाँ वहाँ वैरायटी ज्यादा मिलेगी, जहाँ डिजाइन पसंद आए व्यूअर्स को वहीं जाना चाहिए, ये तो है मेरे ख्याल से जी। और बाकी मैं आपको एक चीज ये दिखाना चाह रहा था, नोटिस कराना चाहता कि इनके पास जो कलेक्शन होती है यार सुपर, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हो कलेक्शन, मैं आपको थोड़ा सा जी जी, मतलब नई नई कलेक्शन आती रहती है, वीडियो तो कम ही पड़ती है क्योंकि कलेक्शन इतनी होती है कि हम कवर नहीं कर पाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बैक कैमरे से, ये एकदम लेटेस्ट कलेक्शन जो है इनके पास होती है, रेगुलर कलेक्शन नहीं है ये, मतलब जो रेगुलर बिकती है 200-250 वाली वो आइटम नहीं है जी जी जी, डिजाइनर पीस है सारे के सारे, बुटीक आइटम है देख सकते हो आप। तो इस तरीके की कुछ कलेक्शन जो है इनके पास मिल जाती है, और इनकी रेंज भी आपको मैं बताऊं तो मीडियम होती है, जैसे कि 700, 800, 1000, 2000 इस तरीके की, सारे सेगमेंट होते हैं जिसको जी, इस सेगमेंट में चाहिए जी जी, सारे सेगमेंट जी, तो ये सारे बुटीक पीस हैं। बाकी आप देख सकते हो गरारा शरारा भी टंगा हुआ है उस तरफ, ये देख सकते हो, तो मतलब नॉर्मल कलेक्शन भी मिल जाएगी आपको, जैसे ये वाली कलेक्शन भी मिल जाएगी, ये 150 की 125 की होगी जी, ये सारी अभी वीडियो में उस वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे। वैसे मैं आपको सिर्फ इस वाली वीडियो में सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मैं एक आइडिया दे दूँ कि किस तरीके के कलेक्शन रखते हैं, डिजाइनर भी रखते हैं और वो भी रखते हैं। कैमरे की बैटरी खत्म हो गई, अब मेरे को ऐसा लग रहा है फोन से शूट करना पड़ेगा, ये रख दे भाई, इसकी बैटरी गई, ठीक है फोन से शूट करते हैं। हाँ ये दे दे, एक मिनट इसमें गोरिल्ला पोर्ट लगा लेते हैं। तो मैं शूट कर रहा था घर से, मैं बैटरी चार्ज करके नहीं निकला था, तो कैमरे की बैटरी डाउन हो गई, अब मेरे को फोन से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी थोड़ी वीडियो, क्योंकि थोड़ी बहुत क्लिपें रह गई, थोड़ी बहुत शूट की वैरायटी इनकी नहीं हो पाई, तो वो मैं कैमरे की जगह इससे फोन से रिकॉर्ड करूंगा। खत्म, तो वीडियो शूट मैंने खत्म कर लिया है, अब मैं थंबनेल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कुछ उसके लिए मैंने जुगाड़ किया थंबनेल बनाने के लिए, थोड़ा सा दिखाता हूं आपको, दिख गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि थंबनेल के लिए मैंने थोड़ा सूटों का लगाया हुआ है।
वीडियो शूट हमने खत्म कर लिया है और हम पार्किंग में आ गए हैं, अपनी गाड़ी निकालेंगे। तो गाड़ी को काफी ज्यादा कवर कर दिया लोगों ने, सोनों गाड़ियों को हटा रहे हैं। तो पार्किंग में आ गए, मतलब वीडियो शूट खत्म हो गया है, अब घर को निकल रहे हैं यहाँ से सीधा। तो रेडी अपनी चिट्ठी कलर है ना, आपने देखा होगा जो चिट्ठी ओवन 2.0 का जो वर्जन था, इसी तरीके से ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन था, उससे मैच करता है, इसलिए मैंने इसका नाम चिट्ठी रखा है। और ये मैंने पहन लिया है ताकि हेलमेट पहनूंगा तो बाल खराब ना हो, रुमाल लगा लिए, इसलिए आप सोच रहे हो कि रुमाल क्यों बांधे, गुरुद्वारा है तो रुमाल वैसे ही बांध रख सकते हैं। ठीक है, घर चलते हैं। पर्ची दे दी है, कितने रुपए लगेंगे भाई? 50 रुपए कट गए हैं। ठीक है, चल भाई। कहता भाई दुकान की कागजात ला। बहुत दिल्ली का ट्रैफिक बहुत खराब है, क्या कहता सोनू? दिल्ली का बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। ये देखो ऐसे ठेले वाले मिल जाते तुम्हारे को जो रास्ता रोकने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। और ये पुरानी दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन, सॉरी भाई, कितने तेज भगाएगा।